चैनल विच इज सिंपल लर्निंग और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्लास सेवन के कंप्यूटर का चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो जैसे कि नंबर सिस्टम का मतलब सिस्टम किसी नंबर का, तो इसमें क्या नंबर सिस्टम है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल दो द वर्ड्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली बट देयर इज अ इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू वर्ड्स। जैसे कि जो वर्ड डाटा और इंफॉर्मेशन होते हैं वो यूज किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह यूज किए जाते हैं, एक जहाँ पे वर्ड्स को यूज करना होगा उनके बजाय डाटा को भी यूज कर सकते हो और इंफॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हो, पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दो वर्ड के बीच में। इन द स्ट्रिक्ट सेंस डाटा कंसिस्ट ऑफ द रॉ नंबर दैट कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइज टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। और स्ट्रिक्ट सेंस में बोलेंगे तो जो डाटा है वो कंसिस्ट करता है रॉ नंबर को जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रॉम अर्ली एज वी आर इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स एंड काउंटिंग। पहले समय से हम क्या करते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट किसका नंबर और उनका काउंटिंग का, ये कॉन्सेप्ट हम पहले से इंट्रोड्यूस करते आ रहे हैं। टॉडलर्स लर्न एट एन अर्ली एज, जो टॉडलर्स हैं वो एक छोटी एज से सीखने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं कैरी करते हैं टू कुकीज को, वन ईच इन ईच हैंड, यानी कि एक हाथ में एक रहेगी दूसरे हाथ में दूसरी। किंडरगार्टनर्स स्टार्ट काउंटिंग बाई टू एंड फाइव, और किंडरगार्टन में क्या होता है जहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ काउंटिंग करते हैं वो टू या फाइव में। इनवेरिएबली वी यूज द डेसिमल नंबर सिस्टम, और ऐसे ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं और जो हमारा नंबर सिस्टम है वो बेस्ड है किस पे, 10 पे, मोस्ट लाइकली बिकॉज वी हैव 10 फिंगर्स, और इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या है 10 उंगलियां हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द नंबर सिस्टम, अब हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। क्लिकीपीडिया द नंबर न्यूमेरिकल डिजिट्स वी यूज टुडे दैट इज 1, 2, 3 आर बेस्ड ऑन द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम डेवलप्ड ओवर 1000 ईयर्स एगो। जो न्यूमरल डिजिट हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं 1, 2 और 3 वो बेस करता है किस पे बेस्ड है, वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम पे बेस्ड है जो डेवलप हुआ था 1000 साल पहले। डिफरेंट नेम्स फॉर द नंबर जीरो इंक्लूड, और जो नंबर है जो नंबर के डिफरेंट नेम है अलग अलग नाम है वो इंक्लूड है, जीरो, नॉट, नॉट, निल, जिल्स एंड जिप, ऐसे करके। अब नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ये क्या है सिंपली एक मेथड है काउंटिंग करने का। मैनी डिफरेंट नंबर सिस्टम एग्जिस्ट कंसीडर अ क्लॉक, और बहुत सारे नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अब आप इसमें क्या कंसीडर कर सकते हो, जैसे क्लॉक, क्लॉक में क्या होते हैं एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ये तो आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, और ईच मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। जब आप काउंट करने लगते हैं तो आप नंबर कहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3 एटसेट्रा से। सिमिलर कंप्यूटर्स ऑल्सो हैव देयर ओन नंबर सिस्टम, और ऐसे ही जो कंप्यूटर है उनका अपना नंबर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। द डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है सभी टाइप के डाटा और इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट एंड नंबर्स, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स, जो टोटल नंबर जो डिजिट के टोटल नंबर है वो यूज हो रहे हैं उस नंबर सिस्टम में तो उसको बोलते हैं उसका बेस, या तो बोलते हैं रेडिक्स। देयरफॉर व्हेन समवन सेज दैट दे आर वर्किंग विद नंबर सिस्टम ऑफ रेडिक्स टू, अगर कोई कहे कि वो किसके साथ वो काम कर रहे हैं नंबर सिस्टम के साथ जिसका रेडिक्स क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब उसका जो बेस है यानी कि उसका जो बेस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम द बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर एज सबस्क्रिप्ट सच एज 512 बेस 10, तो इसलिए जो बेस है उसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे कोई भी डिजिट है जैसे 2, 1 एंड 0 है, ये कोई भी डिजिट है तो उस पे जो बेस है वो कैसे लिखा जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम ये इसको बोलते हैं स्टूडेंट सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। इन दिस एग्जाम्पल द नंबर 10 इज रिटन एज द सबस्क्रिप्ट, और इस वाले एग्जाम्पल में जो नंबर 10 है ये इसको किसमें ये लिखा गया सबस्क्रिप्ट में, क्या एक्सप्रेस करने के लिए नंबर को और किस फॉर्म में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो वहां पे आप बेस क्या लिखोगे रेडिक्स को क्या लिखोगे 10, इसका बेस यानी कि 10 है, ये कोई डिजिट है इसका बेस 10 है तो इसको यहाँ पे लिखोगे सबस्क्रिप्ट फॉर्म में। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम विच आर एज फॉलोज, 4 टाइप के नंबर सिस्टम है जो ये हैं।
डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज इन जनरल, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो जनरली यूज भी करते हैं हम। हाउएवर द कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर सिस्टम, और जो कंप्यूटर है वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर ऑल्सो यूज इन द कंप्यूटर, और ऑक्टल यानी कि 8 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम फॉर डिनोटिंग नंबर। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है जो डिनोट करता है किसको? नंबर्स को। ये इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9, और इसमें जो डिजिट रहती है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है? 0 से लेकर 9 तक। ओनली 3 डिजिट These digits can be used to represent any numeric number. यानी कि आप जो डिजिट है वो 0 से लेकर 0 to कहाँ तक यूज करोगे? 9 तक। ये किसमें? ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसमें Only these digits can be used to represent any numeric value in decimal number system. और इन्हीं डिजिट को यूज करके आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करोगे डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम में। इसलिए जो बेस है डेसिमल नंबर सिस्टम का वो क्या है? 10 है बेस। तो बेस हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? कोई भी डिजिट है, जैसे हमने लिखा 3, 1 और 2, ये कोई डिजिट है तो इसका जो बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप इसका बेस क्या लिखोगे? 10। तो ये हो गया बेस। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली यूज नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला नंबर सिस्टम है, और इसका बेस होगा 10। द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाई इंडिविजुअल डिजिट डिपेंड्स ऑन द वेट एंड पोजिशन ऑफ द डिजिट। और जो वैल्यू डिपेंड करेगी उस इंडिविजुअल डिजिट के, वो भी डिपेंड करेगा उसके वेट और पोजिशन ऑफ द डिजिट पे। अब हम पढ़ते हैं ये वेट और पोजिशन कैसे। द पोजिशन ऑफ फर्स्ट डिजिट, यानी कि जो पोजिशन है फर्स्ट डिजिट की टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड होगी उस डेसिमल पॉइंट की, वो क्या होगी? 0। जो फर्स्ट डिजिट होगी लेफ्ट साइड में उस डेसिमल पॉइंट की, वो क्या होगी? 0। ठीक है। द पोजिशन ऑफ सेकेंड डिजिट टूवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज 1। यानी कि इस ये जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ये कोई डिजिट है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू रहेगी उस पे, जो उसकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 0। फिर उसके बाद यहाँ पे 1। अब हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। अब यहाँ फिलहाल इतना ध्यान रखो कि लेफ्ट साइड जाते हुए पॉइंट के बाद जो उसकी क्या होगी, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन होगी, वो क्या होगी? 0, फिर 1, फिर उसके बाद आएगा 2। तो यही आपको यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे ही जो पोजीशन फर्स्ट डिजिट की टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज -1। अब आप राइट साइड जा रहे हो, यानी कि आप कहाँ जा रहे हो? राइट की तरफ जा रहे हो। तो राइट में क्या हो जाएगा? राइट में अगर आप राइट इधर जाओगे तो यहाँ पे क्या ले लोगे? -1। तो राइट की तरफ क्या हो जाएगा? -1। और जो पोजिशन ऑफ सेकेंड डिजिट टूवर्ड्स राइट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? -2। तो यानी कि राइट की तरफ आप जाओगे तो आपकी जो डिजिट है वो माइनस हो रही है। ये -1 -2 से आप इनको डिनोट करोगे। तो स्टूडेंट ऐसे करके आपने इनको समझना है। द पोजिशन ऑफ सेकंड डिजिट टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट इज -2। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये राइट वाली बात है, और जब आप लेफ्ट की बात करोगे तो वहां पे कहां से पॉइंट के पास शुरू होगा? 0, 1, 2। द वैल्यू ऑफ ए नंबर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट। अब जो वैल्यू है उस नंबर की, वो कैसे डिटरमिन करोगे? डिजिट को मल्टीप्लाई करके विद द वेट ऑफ देयर पोजीशन एंड एडिंग द रिजल्ट। और जो उनका वेट होगा उनकी पोजीशन का, अब आप उस रिजल्ट को ऐड करोगे। इस मेथड को बोला जाता है एक्सपेंशन मेथड, यानी कि इस मेथड को हम बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर हैज द लोवेस्ट वेट। और जो राइट मोस्ट डिजिट होगी उस नंबर की, उसका लोवेस्ट वेट होगा। और इस डिजिट को बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि जो राइट मोस्ट डिजिट होगा, जिसका लोवेस्ट वेट होगा, उसको बोलेंगे LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ ए नंबर हैज द हाईएस्ट वेट। जो लेफ्ट मोस्ट में रहेगी उसका ज्यादा वेट होगा, उसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। द डिजिट 7 इन द नंबर 724, जैसे कि ये कोई नंबर है 724, इसमें जो 7 डिजिट है ये, तो ये जो 7 डिजिट है ये कहाँ है? इसको क्या बोलेंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये किस तरफ है? लेफ्ट साइड है। और जो राइट मोस्ट है, राइट मोस्ट में कौन है? 4। और लेफ्ट मोस्ट में कौन है? 7। तो जो लेफ्ट मोस्ट में है 7, उसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजीज। और जो राइट मोस्ट में है उसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजीज। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो राइट वाली हो गई लीस्ट और लेफ्ट वाली हो गई मोस्ट। तो ऐसे करके आपको ये ध्यान रखना है।
अब आपके पास क्या दे रखे हैं, ये टेबल दे रखा है जिसमें कि आपको ये नंबर दे रखा है और उसका बेस कितना है, 10 है। अब आपको जैसे आप गिनते हो ना यूनिट 10 और 100, तो वैसे ही अब इनका वेट क्या हो जाएगा, जैसे कि सबसे पहला 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, ये क्या हो गया इनका वेट, क्यों, क्योंकि इसका बेस है किसका, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 है, उसके अकॉर्डिंग आप शुरू करोगे। तो यूनिट में सबसे पहले क्या आएगा, हमने क्या कहा था 0 फिर 1 फिर 2, तो रियल वैल्यू उस डिजिट की क्या हो जाएगी, जैसे आपको 724 दे रखा है ये, तो 724 की क्या हो जाएगी, जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 to the power 0 से, ठीक है, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 to the power 1 से, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 to the power 2 से। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 10 to the power 0 यानी कि 1, 10 to the power 1 यानी कि 10, 2 10 20, और 10 to the power 2 यानी कि 100, तो ये 700, तो रिजल्ट आपके पास ये आया। तो ऐसे करके आप उनको क्या कर सकते हो, अपना रिजल्ट देख सकते हो। बाइनरी नंबर सिस्टम, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो क्या है, द वर्ड, अभी तक हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लिया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जिसका बेस 10 होगा उसमें आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को कैसे करोगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई का मीनिंग होता है दो, वी सी बाई इन वर्ड सच एज बाईसाइकिल, बाईसाइकिल भी इसलिए नाम रखा है क्योंकि उसमें दो पहिए होते हैं, टू व्हील्स होते हैं, बाइनोकुलर भी जिसमें दो आईज, तो बाइनरी नंबर में क्या बेस होगा, यानी कि बाइनरी नंबर का जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टू। अ सिंगल बाइनरी डिजिट लाइक 0 और 1 इज कॉल्ड ए बिट, जो सिंगल बाइनरी डिजिट होती है यानी कि 0 और 1 उसको बोलते हैं बिट, जैसे कि ये एग्जांपल है, तो ये किसमें है, सिंगल बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 में बोलेंगे, तो ये क्या हो गई 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 बिट्स लॉन्ग डिजिट हो गई। द वर्ल्ड बिट इज मेड अप फ्रॉम द वर्ल्ड बाइनरी डिजिट, और जो बिट वर्ल्ड है वो बाइनरी डिजिट से ही बना हुआ है। ए कंप्यूटर इज अ मशीन मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जैसे कि जो कंप्यूटर है वो बना होता है ट्रांजिस्टर से, स्विचेस से और अदर कंपोनेंट से। ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर इन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट आइदर ऑन और ऑफ, जो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं ये टू एक्सक्लूसिव स्टेट में होते हैं, या तो ऑन की या ऑफ की। द टू बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंट दीज टू स्टेट, जो टू बाइनरी डिजिट है जो कि हमने पढ़ा 0 और 1, वो इनके दो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इन टू जीरो, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो किसमें चेंज हो जाता है, 0 में एंड 1s और 1 में, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड, ताकि वो समझ सके हमारे इंस्ट्रक्शन को और इंप्लीमेंट कर सके हमारे प्रोग्राम को। बाइनरी लैंग्वेज इज देयरफॉर नोन एज द मशीन लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको इसलिए हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ तक समझ में आया होगा, जिसका बेस होगा 2, बाई का नंबर है, बाई का मतलब है 2, और इसको कैसे, इसमें जो बाइनरी डिजिट होती है वो होती है 0 और 1, जिसको बोलते हैं बिट। ए बाइनरी नंबर इज मेड ऑफ ओनली 0s और 1s, जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 और 1 से बना होता है, जैसे एग्जाम्पल है बाइनरी नंबर का ये 1101, तो ये कितने बाइनरी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, देयर इज नो 2 3 5 6 7 9, नहीं पढ़ते हम बाइनरी में, ठीक है। जैसे आपके पास नेम साइज बिट्स और एग्जाम्पल है, तो बिट में क्या आ जाएगा, 1 सिंगल डिजिट या तो 0 या 1, नेबर में 4 ग्रुप ऑफ 4 डिजिट जिसमें 0 और 1 होगा प्रेजेंट, और ये ग्रुप होगा 4 डिजिट का। बाइट में 8 8 बिट्स आ जाएंगे, 8 का साइज होगा वो, और इसमें 0 और 1 को यूज करके 8 डिजिट बनाओगे। वर्ल्ड में 16 आ जाएगा, 16 डिजिट जिसमें 0 या 1 प्रेजेंट रहेंगे दोनों में से एक, और वो बनेगा 16 डिजिट नंबर। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर इज 1, द नंबर इज ऑड, अगर बाइनरी डिजिट का लास्ट नंबर क्या होगा, 1 होगा, तो यानी कि वो ऑड ना है, ऑड बाइनरी नंबर है, और अगर उसको 0 होगा तो हो गया इवन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1101, ठीक है, ये दे रखा है, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑड नंबर को, क्यों, लास्ट में क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, तो लास्ट में क्या है हमारे पास, 1 है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है लास्ट में, और जहां पे 0 होगा, जैसे यहाँ पे 0 है तो वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम 13 बोलेंगे इसको, ठीक है, कैसे बोलेंगे 13, ये हो जाएगा 1 2 4 और 8, तो 8 और 4 12, और +1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 और 16 करके, तो इसलिए इसका ये जो नंबर हो जाएगा उसको बोलेंगे 18, और 18 एक इवन नंबर है, और जब इन सबको हमने ऐड किया तो ये ऑड नंबर बन रहा है, यानी कि 13। लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू फॉर्म बाइनरी नंबर, अब हम ये पता लगाते हैं कि जो ऑड नंबर 13 आया वो कैसे आया, तो वही आपको यहाँ पे बताती हूँ। एज द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट 0s एंड 1s, हेंस इट बेस इज 2, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होती है 0s और 1s, तो इसलिए इसका बेस क्या है,
इसका बेस है टू। ये ईच डिजिट और बिट इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम कैन बी जीरो और वन। और जो डिजिट होगी या बिट होगी बाइनरी नंबर में, वो या तो जीरो होगी या वन होगी, हमने पढ़ लिया था। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट में बी यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक 1001। और कॉम्बिनेशन बाइनरी डिजिट का रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज को, जैसे कि ये है 1001। द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन बाइनरी नंबर इज ट्वाइस द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ इट्स राइट साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पोजिशनल वैल्यू होगी हर एक डिजिट की बाइनरी नंबर में क्या होगी, ट्वाइस होगी, किसके प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू उस डिजिट के और राइट साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि राइट साइड में हमने क्या बोला, माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट किधर क्या आ गई, -1 और यहाँ पे -2। तो अब हमने ये जो है हमारे पास दे रखा, तो ये जाएगा 2 to the power -1 इसका वेट, और इसका हो जाएगा 2 to the power -2। ठीक है, द वेट ऑफ ईच पोजिशन इज अ पावर ऑफ 2। जो वेट है इन सब पोजीशन का वो क्या है, 2 है। ठीक है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू पोजीशन और वेट वो आपको गिवन है, जैसे 2 to the power 0, यानी कि पॉइंट किधर से हम 0, 1, 2, 3 काउंट करते हैं और पॉइंट किधर -1 और -2, तो वेट इनका 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ये ऐसे करके। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि जो रिप्रेजेंट करेगा 8 डिजिट को, 8 डिजिट यानी कि 0 से 7 तक। हेंस द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर इज 8। तो इसका मतलब जो बेस होगा ऑक्टल नंबर का वो क्या होगा, 8 होगा। इन दिस सिस्टम द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 8। और इस सिस्टम में जो हर डिजिट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी किसे में, पावर ऑफ 8 में। एनी डिजिट इन दिस सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन 8। और कोई भी डिजिट सिस्टम में लेस देन होगी 8, क्यों, क्योंकि ये डिजिट 8 डिजिट तो है ये, पर कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 7 तक। ऑक्टल नंबर इज यूज्ड एज अ शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर, द नंबर 841। और उसके बाहर क्या है, बेस इसका 8 है, तो इसका मतलब है ऑक्टल नंबर सिस्टम है ये, क्या है, पर एक वैलिड नहीं है ये इस नंबर सिस्टम में, एज 8 इज नॉट अ वैलिड डिजिट। तो 8 क्या है, एक वैलिड डिजिट नहीं है। बेस तो हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8, पर जो 8 है वो एक वैलिड डिजिट नहीं है, क्योंकि कोई भी डिजिट इस सिस्टम में लेस देन होनी चाहिए 8, तो इसलिए जो 8 है वो एक वैलिड डिजिट नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो भी डिजिट लेनी हो 0 से लेकर 7 तक लेनी है, ये है इसका। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है 16 डिजिट को, ठीक है, जो कहां से होती है, 0 से 9 और ए से लेकर एफ तक। 0 के 0 to 9 तो हो जाएगा, उसके बाद ए से करोगे ना स्टार्ट, तो ए कहां पे आएगा, 10 पे, फिर बी कहां पे आएगा, 11 पे, तो ऐसे करके ए टू एफ होता है। तो एफ कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, एफ, एफ आएगा 16 पे। ठीक है, तो ऐसा हो गया 0 to 9 और ए टू एफ, तो टोटल 16 डिजिट हो रही है। द लेटर्स ए टू एफ रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 10 to 15, और जो लेटर है सॉरी एफ 15 पे होगा, क्योंकि 0 to 9 है ना, तो 0 से काउंट कर रहे हैं हम, तो 0 to 9 होंगे डिजिट, और उसके बाद ए टू एफ, तो ए 10 पे आएगा, और ठीक है, और एफ कहाँ तक काउंट हो गई, ये ए बी सी डी ई एफ, तो एफ कहाँ पे होगा, 15 पे। ठीक है, द लेटर्स ए टू एफ रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 10 to 15, और इस नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 16 है, और जो हर एक डिजिट पोजिशन होगी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेगी पावर किसके, 16 की। द नंबर जैसे कि नंबर दे रखा है यहाँ पे 764, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, और ये क्या है, एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम 764 base 10, और ये इससे डिफरेंट है किससे, 764 base 10 से, क्या है ये, विच इज 764, ये 764 है। तो दिस नंबर प्रोवाइड शॉर्टकट मेथड टू रिप्रेजेंट लॉन्ग बाइनरी नंबर, और ये जो नंबर सिस्टम है प्रोवाइड करता है शॉर्टकट मेथड किसको रिप्रेजेंट करने का, जो लंबी लंबी बाइनरी नंबर होती है उनको रिप्रेजेंट करने का। तो इसका जो बेस है वो क्या करेंगे आप, इसका बेस होगा 16, और ये 764 तो आपको एग्जाम्पल में बता रखा है ये, तो ठीक है, और ये से डिफरेंट है ये, क्योंकि क्या है, ये 764 है, तो ये जो नंबर सिस्टम है प्रोवाइड करता है शॉर्टकट मेथड रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्ग बाइनरी नंबर को। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, अब कन्वर्जन कैसे होता है इनका, बाइनरी नंबर में या बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसा होता है। तो जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन है उसमें आप किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे वाले में, जैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। अब सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, वो हम कैसे करेंगे। तो टू कन्वर्ट अ
डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर, फॉलो दिस स्टेप, आपको स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड कर दोगे डेसिमल नंबर को 2 से, तो जो बेस है बाइनरी नंबर सिस्टम का उस 2 से डिवाइड करोगे। यानी कि आपने डेसिमल को अगर बाइनरी में करना है कन्वर्ट, तो सबसे पहले जो बाइनरी का बेस है उससे डिवाइड कर दोगे उस डेसिमल नंबर को, ठीक है। तो बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या है, 2। इसके बाद स्टेप क्या, 2 क्या है, नोट डाउन द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। तो उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा और जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट डाउन करोगे। स्टेप 3, डिवाइड द क्वेश्चन ऑब्टेन अगेन बाय 2, और फिर से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको फिर से डिवाइड करोगे और नोट डाउन करोगे जो रिजल्टिंग क्वेश्चन है, फिर रिमाइंडर को। ये प्रोसेस प्रोसीजर कब तक आपने फॉलो करना है, जब तक कि आप उस क्वेश्चन तक ना पहुंच जाओ जो 2 से कम होना, ठीक है। ये प्रोसीजर आप तब तक फॉलो करोगे जब तक आपके पास वो क्वेश्चन आ जाए जो 2 से कम हो, क्योंकि बेस क्या है बाइनरी का 2, तो बाइनरी में या तो आप 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए उसमें जो क्वेश्चन है वो कम आना चाहिए 2 से। लिस्ट द लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसको लिस्ट करोगे और जो रिमाइंडर है, फिर उसके बाद बॉटम से टॉप पे जाओगे और आपको पास आपके बाइनरी नंबर कन्वर्ट होके मिल जाएगा। अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं जो आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। लुक एट द गिवन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन बेटर। अब आपके पास क्या है, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल को। यानी कि जैसे कि आपके डेसिमल नंबर 26 दे रखा है, तो 26 का होगा बेस 10, क्यों, क्योंकि आप डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हो बाइनरी में। तो अब हमने 26 को डिवाइड किया 2 से, क्यों, क्योंकि बाइनरी में करना है कन्वर्ट, तो बाइनरी का जो बेस है वो क्या है स्टूडेंट, 2 है। अब हमने 2 को किया 26 से, तो 2 1 2, 2 3 6, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आप 0 कहाँ पे करोगे, 0 वहां पे करोगे जहाँ पे उसके रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा है। ऐसा ना कि आपने यहाँ पे लिख दिया, ये मत कर देना, उसको उसी के सामने लिखना जैसे यहाँ पे है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा 13 आ रहा है क्वेश्चन, अभी इसको और में कन्वर्ट, और में क्या करते जाना, कम करते जाना इस चीज को। तो हमने देखा 2 की टेबल में 13 तो नहीं आता है, तो 2 6 12, अब कितना हुआ, 12 से -13 को किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 6 जाता है 2 की टेबल में, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो कितना हो गया, अब 0 हो गया, क्यों, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे उसके सामने 0 लिख दिया फिर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 3 देखा हमने, तो हमने बोला अभी तो 3 बच रहा है, तो 3 तो आता है नहीं 2 की टेबल में, तो हमने 2 1 2, यानी कि कितना रिमाइंडर बचा, 1, और उस रिमाइंडर को हमने, जो भी आपका रिमाइंडर बचना है उसको यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। आपने पहले देखना है कि वो उस टेबल में आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो 0 करोगे, और रिमाइंडर बच रहा है तो उसको उतने डिजिट से माइनस करके उसके सामने लिख दोगे। तो ऐसे करके आपने कहाँ से मूव करना है, बॉटम से टॉप तक। तो आपके पास पहले क्या आया यहाँ पे, एक तो आपने ये लेना है जो एक ही रिमाइंडर बचा, कितनी बार गया, सॉरी कितनी बार गया है, 2 1 2, यानी कि 1 बार, यानी कि क्वेश्चन हो गया। तो एक इसको लोगे आप, एक ये वाला, तो ये हो जाएंगे 1 1, ये 2 डिजिट हो जाएंगे 1 1। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाओगे, फिर 0 लिखोगे, फिर 1, फिर 0। तो बॉटम से किसके साथ, क्वेश्चन के साथ मिलके चलना है, ऐसे ना कि आपके पास जितने से गए वो उसको लिख दिया आपने, जहां पे जो बच रहा था, जहां पे नहीं, उन रिमाइंडर को नहीं, क्वेश्चन को भी साथ लेके लेना है। तो 1 1 0 1 0, तो हमारी ये रिजल्ट कन्वर्ट हो गई, और हमने बाद में क्या कर देना है, उसको बेस 2 लिख देना है, क्यों, क्योंकि हमने इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि लिस्ट करना है लास्ट क्वेश्चन से एंड ऑल द रिमाइंडर फ्रॉम हियर। तो आपके पास लास्ट क्वेश्चन क्या था, 1, और उसके बाद ये रिमाइंडर थे इधर, ठीक है। आपको बॉटम से टॉप पे मूव करना है। अब आपको दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है कि 64 डिजिट है कोई, उसका बेस 10 है, उसको बाइनरी में, तो सेम वे देखिए, 2 3 6, 2 2 4, कुछ नहीं, पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके सामने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। फिर हमने इसको दिया 2 1 2, 2 6 12, अभी भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे भी 0। अब हमने देखा 16 भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 8 16, फिर हमने देखा 8 भी आता है, तो जब वो पूरा जा रहा है डिवाइड होके, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे क्या हो रहा है, वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या कर दिया हमने, उसको उतना रिमाइंडर वहां पे लिख देना है कितना बच रहा है। तो यहाँ पे तो इस वाले में नहीं बच रहा, और लास्ट में ही जो 1 है, अब ये तो और लेस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसको हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया, यहाँ से काउंट कर दिया, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन से, फिर रिमाइंडर 0 0 0, तो इसका बेस हो जाएगा लास्ट में 2।
ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो उसका बेस भी लिखना, ऐसे ना कि आप डेसिमल से बाइनरी में कर रहे हो तो डेसिमल नंबर का बेस लिख दिया, वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन फिर। अब आपके पास दूसरा क्या है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इंटू डेसिमल नंबर फॉलो दिस स्टेप। स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट नोन एज LSD। जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो वहां से स्टार्ट करोगे बिफोर द फ्रैक्शनल पॉइंट, जो फ्रैक्शनल पॉइंट से पहले होगी, और उसके बाद मूव करोगे लेफ्टवर्ड्स की तरफ। व्हाइल डूइंग सो मल्टीप्लाई इज डिजिट बाय टू, और ऐसा करते हुए आपको मल्टीप्लाई भी करना है, टू रेज करना है एक पर्टिकुलर पावर को। द पावर ऑफ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और जो टू की पावर है वो जीरो से स्टार्ट करोगे, और उसके बाद उसको इंक्रीज करोगे 1 2 3 4 ऐसे करके, और बाद में मल्टीप्लाई करके उनको उन पावर से, जो उनको उन डिजिट से, टू की पावर जितना भी, टू की पावर जितनी भी है इसको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करके, आपके पास जितना मल्टीप्लाई करके हमको ऐड करना है। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से, आपको और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। हमारे पास दे रखी है जैसे कि हमने इसको बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में क्या होता है, बेस होना चाहिए टू। अब डेसिमल में कर रहे हो तो डेसिमल में तो बेस क्या हो जाएगा, आंसर के साथ 10। आप पर करेंगे कैसे कन्वर्ट वो समझते हैं। तो हमने किससे किया, यहाँ ये LSD डिजिट यानी कि 1, ये है ना 1, ये ठीक है। तो हमने इसको किस शुरुआत कहाँ से की है, टू की पावर जीरो से, ये हमने अभी रूल पढ़ा था। तो हमने टू की पावर जीरो यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और कौन सी डिजिट थी, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 थी, ठीक है। उसके बाद जो इसके इधर डिजिट है लेफ्ट साइड, वो क्या है, 1 है। अब उसके बाद जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर बढ़ रही है, यहाँ पे 0 थी यहाँ पे 1 हो जाएगी। फिर ऐसे ही करके ये नेक्स्ट 1 लोगे, आप धीरे धीरे आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, आप ये वाला 1 लोगे और 2, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि आपको पावर 0 से स्टार्ट करनी है, यहाँ पे 0 फिर प्लस का साइन, ऐसे ना कि प्लस का साइन लगाना बोले यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। जितनी डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना 2 से, और 2 की पावर कितनी है, 0 से स्टार्ट फिर प्लस, ठीक है। फिर ऐसे ही प्रोसीड आगे आगे, तो ऐसे ही बढ़ती जाएगी पावर, और आपको जो डिजिट दे रही है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 की पावर जब 0 होती है उसको 1 माना जाता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। तो ऐसे करके आपने सबको निकाल देना, उनको ऐड कर देना है, और प्लस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपने लास्ट में उसको क्या कर देना है, 10 बेस जरूर लिख देना है, ऐसे ना कि आप बाइनरी में लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो, इसमें भी LSD डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे 1 है, और आपने क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 0 से। आपकी बुक में ना प्लस का साइन गलत दे रखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्या करना है, पावर इंक्रीज होती जाएगी, और आपने यहाँ से डिजिट देखनी है, और ऐसे ऐसे करके आपने उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और बेस 10 लिखना ना भूलना जब आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी को डेसिमल में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट है इजी, ठीक है। दोनों में ये है कि आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपनी पावर से। तो स्टूडेंट अब आगे चलते हैं, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन करना है आपको। अब आप ये कैसे करोगे, सिमिलर टू बाइनरी नंबर यू कैन कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल, वैसे ही जैसे आपने बाइनरी नंबर में किया वैसे ही इसको डेसिमल में भी करना है। बाय मल्टीप्लाई इज डिजिट ऑफ द नंबर विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ 8 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे जो ऑक्टल है, ऑक्टल का मतलब 8, तो आपको यहाँ पे डिजिट क्या लेनी है, उस जिसकी पावर रखोगे, वो ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो उसी की जो पावर है उसको 0 से स्टार्ट कर दोगे। जैसे आपने बाइनरी में 2 पे किया ना, जो आपने यहाँ पे किया ना बाइनरी में, यहाँ पे आपने 2 लिया ना, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में कर रहे हो, और जब ऑक्टल से डेसिमल में करोगे तो ऑक्टल को रखना है, और उसकी पावर हो जाएगी 0 से स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे जो डिजिट है यहाँ पे की 7, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8। क्यों, क्योंकि ऑक्टल को क्या बोलते हैं हम, 8 बोलते हैं ना, जिसमें 0 से लेकर 7 तक डिजिट होती हैं, और उसका बेस होता है 8। तो 8 टू द पावर 0 आ जाएगी, और इसको डिजिट को 7 को इससे मल्टीप्लाई करके फिर एड, फिर ये 3 जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करके 8, और उसकी पावर इंक्रीज हो गई, यानी कि यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे 1 हो गई। आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, और डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही सिंपल है, यहाँ पे 7 है आपके पास, 4 6 7 है, तो 7 राइट साइड में है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 8 टू द पावर 0 से, फिर ये इंक्रीज होती गई पावर ऐसे करके, और इस डिजिट को मल्टीप्लाई इतने से, उसके बाद ऐड कर देना है, और 10 लिख देना है बेस पे, क्योंकि डेसिमल का बेस क्या होता है 10। अब हम ऐसे ही हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास यहाँ पे दे रखा है 3B और उसका बेस है 16,
और इसको डेसिमल में करना है, क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो जब यहाँ पे 16 दे रखा है और बी क्या है, ए 10 होता है, तो बी क्या है, 11। जैसे हमने पढ़ा है हेक्साडेसिमल में नंबर 0 to 9 होता है, ए टू एफ होते हैं। तो मैंने कहा कि जो ए है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, 9 को, सॉरी 10 को, और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी एफ तक होता है, ए से एफ तक, तो एफ क्या होता है 15, तो सी क्या हो जाएगा 12। तो ऐसे करके आपके पास जो भी दिया होगा, तो यहाँ पे बी दे रखा है 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बेस है यानी कि हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, और 16 की पावर आ जाएगी 0। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, और आपको ये जो 3 डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है, 16 की जो पावर आ जाएगी 1, इनको मल्टीप्लाई करके इनको एड करके जब आपको बेस रखना है, तो बेस में ये ध्यान रखना कि जो डेसिमल है आप कितना लोगे, बेस डेसिमल का 10, क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आपने कन्वर्ट कर दिया इस ऐसा डेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये आप ध्यान रखना, इसमें भी वही है, यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट दे रखी है, तो 4 क्या है राइट साइड में, तो 4 को पहले क्या कर दिया है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 to the power 0 से स्टार्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए, ए को बोलते हैं 10, ठीक है, ए को 10 बोलेंगे, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 to the power 1, और 3 को, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर इंक्रीज हो रही है और बेस सेम है, ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, तो 16 बेस और पावर इंक्रीज 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, और लास्ट में जितना भी आया उसका बेस कितना जाएगा 10। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बाइनरी नंबर का एडिशन कैसे होता है, तो आपको यहाँ पे से बता रखा है कि कैसे होता है एडिशन, तो हम सीधा चलते हैं इस टेबल में। जैसे आपके पास एक्स और वाई दो बाइनरी डिजिट दे रही है, उनको प्लस करना है, तो 0 को 0 प्लस करके जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही 0, और 0 में 1 प्लस करके जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही 0 में 1 प्लस करके 1, 1 और 0 को प्लस करके जैसे कि मैथ्स में होता है 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब 1 को 1 के साथ प्लस करोगे तो वो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है, उसका कैरी क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे मत कर देना कि मैथ्स में तो 1 1 क्या होता है, 2 होता है, पर बाइनरी एडिशन इन द केस ऑफ कंप्यूटर, इन द केस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, उसमें 1 और 1 को ऐड करके क्या हो जाएगा, 10, और इसका कैरी बन जाता है 1। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सबसे पहले मैंने बोला 1 और 1 को प्लस करके क्या आएगा, 0, इसका कैरी यहाँ चले गया। अब यहाँ पे भी आप कैसे करोगे, 1 और 1 कितना आ गया, 10, 10 आ गया, और 10 में यानी कि जो 10 लोगे आप, और 10 में क्या करोगे प्लस, 10 में करोगे प्लस 1, यानी कि यहाँ पे करती हूँ मैं इसमें, और 1 प्लस करोगे तो यहाँ पे भी तो 1 ही आएगा, फिर ये कैरी कहाँ चले गया, दूसरे वाले के ऊपर, यहाँ पे ये ठीक है, फिर यहाँ पे चले गया, तो इसने भी 1 और 1 बन के क्या बनाया, 1 और 1 बन के क्या बनाया, 10। फिर ये 10 किसके साथ ऐड हुआ, इस 1 के साथ, तो इसके साथ ऐड होके क्या जाएगा, 1, और फिर यहाँ ये 1 वैसे उतर जाएगा, और जो 1 है ये फिर कैरी दूसरे पे लग जाएगा। अब ये 1 और 1 10 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, और इसका 1 कैरी कहाँ चले गया, यहाँ पे, अब 1 और 1 10 होता है, इसका 1 कैरी यहाँ पे चले गया, फिर 1 और 1 10 होता है, तो इसका 0 और इसका कैरी यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ था ही नहीं जो हम किसी के साथ ऐड करते। तो आई होप स्टूडेंट आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो वो बन जाता है 10, और उसका 0 तो लिख दोगे, कैरी दूसरे पे लग जाता है। तो ये करके हमारे पास आता है बाइनरी एडिशन। और बाइनरी सबट्रैक्शन, बाइनरी सबट्रैक्शन में क्या होता है, इस टेबल से देख लेते हैं। 0 में माइनस करोगे 0 को 0, 0 में 1 को माइनस करोगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जब 0 से 1 को माइनस करोगे तो वो कैरी लेगा, और कैरी लेगा तो कैरी कितना, कैरी लेके वो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना, जब ये 0 कैरी लेगा किसी से, अभी हम इसमें देखेंगे, इस वाले एग्जाम्पल में, ये जो यहाँ पे दे रखा है, 10 से -1 करते हैं तो 1 आता है, 9 मत कर देना आप जैसे मैथ्स में करते हो, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज में ये थोड़ा अलग होता है, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 1 में 1 जोड़ के 10 हो जाएगा एडिशन के केस में, यहाँ पे 0 से -1 करने में वो एक कैरी लेगा और 10 बन जाएगा, और 10 से 1 को माइनस करके 1 बनता है। अब हम चलते हैं बाइनरी नंबर के सब्सट्रैक्शन में, तो बाइनरी नंबर के सब्सट्रैक्शन में जैसे कि 0 से आप 0 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, 0 से 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 बोरो लेगा 1 को, तो ये बन जाएगा 10, ठीक है, अपने बगल वाले से। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कैसे अपने बगल वाले से लेगा, ये बन जाएगा 10, 10 में से -1 होता है तो 1 आता है, ठीक है, इसलिए जो 10 से -1 हुआ वो 1 आता है, 1 से माइनस करेंगे 0 को 1 आता है, 1 से 1 को माइनस करेंगे 0 आता है, तो आपको केवल इस वाले में ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ये दे रखा है 1 0
जीरो और जीरो ये दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास एक ही डिजिट है और एक ही डिजिट है, एक ये है आपके पास और एक ये है। तो इसमें आप कैसे करोगे, आपके पास जैसे कि ये वन है और जीरो जीरो है, तो सबसे पहले ये जो जीरो है यहाँ पे ये, तो ये जीरो कैसे लेगा बोरो, ठीक है। तो ये जीरो कैसे लेगा, ये जो जीरो है ये बोरो कैसे लेगा, अपने बगल वाले से लेगा, तो ये जो आएगा 10, और जो भी 10 हो जाएगा तो 10 में से 1 को माइनस करके क्या आता है स्टूडेंट, 1 आता है, ठीक है। तो 10 में से माइनस यानी कि हो जाएगा 10, और 10 में से जब 1 को माइनस तो हमने क्या पढ़ा, 1 आता है। तो ये जो 1 है इसने किसको बोरो दिया, इसको, ये बना 10, ठीक है। जब ये 10 बना तो 10 में से जब इसने भी इसको बोरो दिया यानी कि ये भी क्या बना 10, और जब इसने एक इसको बोरो दे दिया तो 10 में से -1 हुआ, तो अब यहाँ पे 10 की जगह क्या हो जाएगा 1, तो 1 में से 1 को माइनस किया तो 0। इसने भी जब इसको बोरो दिया 10, ठीक है, तो जब इसने भी दिया तो इसने भी अपना एक बोरो यहाँ दे दिया, तो जब इसने अपना एक बोरो यहाँ दे दिया तो ये भी क्या हुआ 10 से -1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 से -1 को क्या 0 आ गया। तो स्टूडेंट ऐसे करके आपको ये समझना है, सबसे पहले आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आया सिंपल वाला तो आप कर देंगे, जब आपके पास ऊपर जीरो हो और नीचे 1 हो, जीरो हो 1 हो, जीरो हो 1 हो, इसमें तो बहुत बोरो लेंगे सभी, तो इसलिए आपके पास कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ इसमें, यहाँ से, क्योंकि ये 1 ही तो दे सकता है, बाकी तो ये सब जीरो हो चुके हैं। तो ये जो 1 है ये कैसे देगा बोरो, वो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये 1 है वो बोरो कैसे देगा, ये 1 है ये बोरो किसको देगा, इसको, ये हो जाएगा 10, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, ये 10 हो गया, ठीक है, ये 10 बन गया। अब जब ये 10 बना तो इसने भी तो किसको बोरो देना है, जीरो को, जब इसने इसको बोरो देना है तो ये 10 की बजाय क्या हो जाएगा, अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10 में से एक उधर दे दिया तो कितना बच गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो 10 में से जब माइनस करते हैं 1 को तो 1 ही बचता है, तो वो यहाँ पे हुआ, क्यों, क्योंकि इसने एक बोरो यहाँ दे दिया इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा 10, तो ये है 1, 1 में से 1 को गए 0, और ये 0 क्यों था, क्योंकि इसने अपना 1 बोरो कहाँ दे दिया, इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया 0 बन गया, ठीक है। अब इसके पास भी नहीं था, ठीक है, इसने भी क्या लिया, इससे बोरो लिया 1 को, तो जब इसने इससे बोरो लिया तो यहाँ पे ये भी तो 0 है, तो ये भी तो इससे बोरो लेगा, तो ये भी क्या बन गया 10, और जब इसने इसको एक बोरो दे दिया तो 10 की जगह क्या हो गया, 10 से 1 को माइनस करके कितना हुआ 1, और वो 1 आ गया यहाँ पे, और जब 1 को -1 से किया तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और जब इसने इसको बोरो दिया था तो इसने तो इसको बोरो दिया, इसके आगे तो कोई नहीं है जो जो जिसको भी ये भी बोरो कर देगा, तो अब यही बचा, तो इसलिए 10 से जब हमने 1 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया 1। तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से भी, यहाँ से, क्योंकि यही दे सकता था बोरो, तो इसने सबसे पहले इसको दिया, फिर इसने इसकी मदद की, तो जितना इसने इसने इसको दिया हमने क्या करा, उससे 10 को जब माइनस एक इसको दे दिया तो 10 में से -1 बच गया, तो 1 ही होता है, तब हमने इस 1 को 1 से माइनस करके 0 तब आया हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके आई होप आपको समझ में आ गया कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया, यहाँ तक हम पढ़ते हैं बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। बाइनरी मल्टीप्लीकेशन जब दो बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर ईच डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर द प्रोडक्ट ऑफ दैट डिजिट ऑफ द फर्स्ट बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड। अब क्या बोल रहा है ये, इसको हम देखते हैं, एक्स और वाई यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई से, तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, जैसे कि आप मैथ्स में ही पढ़ते हो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, और वन को वन से करोगे तो वन आएगा। अब आपको 1010 जिसका बेस 2 है को 101 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर ईच डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर द प्रोडक्ट ऑफ दैट डिजिट ऑफ द फर्स्ट बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड, देन इट इज शिफ्टेड लेफ्टवर्ड सो दैट इट्स राइट मोर डिजिट लाइंस अप विद द डिजिट इन सेकंड नंबर दैट वाज यूज्ड, द सम ऑफ ऑल दिस पार्शियल प्रोडक्ट गिव द रिजल्ट। तो हमने कहाँ से शुरू करना है, इसमें हमने यहाँ से शुरू करना है, 10 का 0, 11 जा 1, 10 का 0, 11 जा 1, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया मल्टीप्लाई करना, उसके बाद हमने जैसा मल्टीप्लाई का क्रॉस लगाते ही है, ठीक है। अब हमने इस 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0, फिर उसके बाद जैसे हम मैथ्स में करते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही, अब हमने इस 1 से करना है, 10 का 0, 11 जा 1, 10 का 0, 11 जा 1, लास्ट में इनको ऐड कर देना, जैसे ऐड करते हैं मैथ्स वाला ऐड नहीं, जैसे हमने सीखा है बाइनरी एडिशन वैसा ऐड, 1 के साथ 0 1 ही आता है, 0 के साथ 0, 11 10 होता तो एक कैरी यहाँ चलेगी, और ये यहाँ पे 1 था तो 1 का 1 ही आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको करना है बाइनरी मल्टीप्लीकेशन।
ठीक है, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आएगा जैसे आप मैथ्स में करते हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 7 का कंप्यूटर का आपको अगर समझ में आ गया तो मेरी वीडियोस लाइक भी किया कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।